हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो स्टीरियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर बात की जाए तो स्पेस में ग्रुप्स के अरेंजमेंट की बात होती है। हाँ ठीक है, जैसे मान लो सपोज हम बात कर रहे हैं, सपोज मान लो ये कार्बन है, ठीक है। अब मान लो इसके चारों तरफ चार ग्रुप अटैच हैं, ठीक। अब एक मान लो ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये वाई एक्सिस में है ये वाले बॉन्ड सपोज, और ये वाला बॉन्ड जेड एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस में, इधर वाला जो अटैच है ग्रुप, ठीक। अब हम कोई इसका ऐसा आइसोमर बनाएं जिसमें कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच था, मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, इनके अरेंजमेंट एक्सिस के एक्सिस चेंज कर दें, ठीक है। तो आपको पता है बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ सेम रहे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी हम देखें तो स्ट्रक्चर भी सेम आए, लेकिन 3D में उसका अरेंजमेंट, ग्रुप्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है दो कंपाउंड्स में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद ये जो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, हाँ देवान कुछ कह रहे हैं आप? देखो ग्रुप्स स्ट्रक्चर सेम, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन 3D स्पेस में अरेंजमेंट जो होगा ग्रुप का वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और इस आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये दो तरीके से देखी गई है, एक को बोलते हैं कॉन्फिग्रेशनल और दूसरे को बोलते हैं कन्फर्मेशनल। एक है कॉन्फिग्रेशनल, दूसरी है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल में भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे इनेंशियोमर होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, तो इन सब की हम लोग बात करेंगे, कन्फर्मेशनल की भी बात करेंगे अलग अलग से। तो अगर बात की जाए तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप और एटम्स अलोंग द स्टीरियो सेंटर। दीज आइसोमर्स हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, और स्टीरियो सेंटर कैन बी एन एटम और बॉन्ड अक्रॉस विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। जिस कोई भी ऐसा बॉन्ड या कोई भी ऐसा एटम जिसके चारों तरफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप के अरेंजमेंट को डिफरेंट देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताइए जरा आईपीएससी, फर्स्ट कंपाउंड का। कौन बताएगा फर्स्ट कंपाउंड का आईपी, और थर्ड, थर्ड का बता दो। ठीक है, देखो जैसे ये ब्यूटीन टू है ना, या टू ब्यूटीन भी कहीं कहीं बोल देते, ये भी ब्यूटीन टू है, ये आपका ब्यूटीन वन है, देख पा रहे हैं सब लोग? तो अगर अभी ब्यूटीन वन को एक मिनट के लिए भूल जाएं, हम ब्यूटीन टू दो तरीके के लिखे हुए हैं। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर सी एस थ्री, इधर सी एस थ्री, यहाँ नीचे की तरफ है एच, यहाँ पे नीचे की तरफ है एच। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखो तो ग्रुप सारे के सारे सेम है, इस कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड पे, पहले कार्बन पे इधर सी एस थ्री, इधर एच, और इधर एच, और इधर सी एस थ्री, डिफरेंस क्या किया इन्होंने, इतना अगर देखो तो सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे सी एस थ्री को ऊपर लेके यहाँ नीचे कर दिया और एच को इधर नीचे कर दिया। मतलब क्या है, डिफरेंस 3D में ग्रुप्स के अरेंजमेंट का है केवल, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी
सेम है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है? अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम दो तरीके की देखेंगे, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल थोड़ा सा अलग है, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ब्यूटीन टू की बात कर रहे हैं, आपको डाइपोल मोमेंट बताया था, तो सिस ट्रांस बताया था, ठीक है? तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें जो बात की जाती है, ज्योमेट्रिकल में GI लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात की जाती है सिस ट्रांस की। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। सिस ट्रांस को हम लोग देखते कैसे हैं, ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दी हुई है। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन अलॉन्ग स्टीरियो सेंटर एंड दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड। ये आइसोमर्स एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं। डू नॉट कन्वर्ट इंटू वन अनदर एट रूम टेम्परेचर। एक दूसरे में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो इसके एग्जाम्पल सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दिए गए हैं। सिस का मतलब क्या होता है? क्या बताया था आपको सिस का मतलब? जल्दी से बताइए। अच्छा, देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें डबल बॉन्ड, और ये देख रहे हो आप, ये एक कंपाउंड है, ये एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है? ये भी ब्यूटीन टू है, ये भी ब्यूटीन टू है। जब डायगनल पे डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हो आपको, CH3 यहाँ पे H, डायगनल पे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हो? जब डायगनल पे आपको डिफरेंट दिखेगा ग्रुप, तो आप बोलोगे उसको सिस। और जब डायगनल पे सेम ग्रुप आपको दिख रहा है, तब आप क्या बोलोगे उसको? ट्रांस। क्लियर है बात इतनी? और ये जो सिस और ट्रांस हैं किसी भी एक कंपाउंड के, इनको एक दूसरे का कॉन्फिग्रेशनल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हो, या सिस ट्रांस आइसोमर बोल सकते हो। क्लियर है बात इतनी? अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो जगह पे आप देख सकते हो। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन होती है कि आपको अगर इसकी कंडीशन देखनी है, तो एक चीज होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, या रिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है समझते हैं पहले, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ा था, याद है सबको? सिग्मा पाई क्या होता था केमिकल बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की अगर बात करो, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता था? अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करो, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग इस तरीके की होती थी, ठीक है? और पाई बॉन्ड की अगर बात करो, तो पाई बॉन्ड में इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग होती थी। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमको एक एबव इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता था और एक बिलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता था, ऐसे करके हम लोग बनाते थे। ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक नीचे की तरफ, ऐसा होता था, ठीक है? तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर आप इन एटम्स को मूव करना चाहो, जो साइड में एटम्स लगे हुए हैं उनको अगर आप मूव करना चाहो, तो आराम से रोटेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, यहाँ पे पॉसिबल है।
लेकिन जब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, दो जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड कनेक्टेड होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे जब हम मूव करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे जो साइड वाले एटम्स हैं उनको अगर हम मूव करते हैं, तो दो जगह से क्लबिंग होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन रुका हुआ होता है, प्रॉपर आप रोटेट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं इसको। तो ऐसे केसेस जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको देखने को मिले, वहां पे आपको मिल सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ मिलेगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पाई बॉन्ड होगा, सी डबल बॉन्ड सी में भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन में भी हो सकता है, कहीं पे एन डबल बॉन्ड एन दिखे, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे रिंग आपको दिखाई देती है, तो रिंग को भी रोटेट करना टफ होता है। ऐसे केसेस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। इतनी बात, एक मोटी मोटी बात दिमाग में बैठी कुछ? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन प्रॉपर रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब प्रॉपर फ्री नहीं रोटेट करा सकते आप साइड एटम्स को, अगर आप ऐसा करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो इस जहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या डबल बॉन्ड ये अगर है तो हो सकता है क्या? नहीं। इसके लिए एक और कंडीशन है, टू ग्रुप्स एट ईच एंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। दो जो ग्रुप आप लगाते हो वो जरूर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? कहाँ पे? एट ईच एंड। देखो, जैसे इन्होंने क्या कंडीशन बताई, ये दो कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इनकी ये बात कर रहे हैं, देखो सी पहले कार्बन की बात कर रहे हैं, उस पे एक ग्रुप लगाया ए और दूसरा ग्रुप लगाया ए, फिर दूसरे कार्बन पे ए ए ए लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि सी डबल बॉन्ड ए पे ऐसे अगर है तो आपने क्या किया, चारों ग्रुप सेम लगा दिए, सबको ए ए ए लिख दिया। इसका मतलब क्या है, सब सेम है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, देख पा रहे हो? जब सारे के सारे ग्रुप सेम होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा, नहीं प्रेजेंट होगा। दूसरी क्या कंडीशन है जहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, अगर आप किसी एक कार्बन पे भी अगर सिमिलर ले लेते हो, मतलब ये पहला कार्बन है, इस पे दोनों ग्रुप आपने सिमिलर ले लिए, दूसरे वाले पे डिफरेंट लिए, ठीक है? दूसरे वाले पे मान लो यहाँ सी आर लगा दो, यहाँ बी आर लगा दो, फिर भी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखा जाएगा। तीसरा इन्होंने क्या किया कि ये फर्स्ट वाले पे डिफरेंट ले लिया और सेकेंड वाले पे सेम ले लिया, सेकेंड वाले पे सेम ले लिया और फर्स्ट वाले पे डिफरेंट ले लिया, अब यहां पे भी ज्योमेट्रिकल नहीं देखा जाएगा। ज्योमेट्रिकल कब कब देखा जाता है, जब आप देखो ये कंडीशन नॉट वाली है कि इसमें नहीं दिखेगा, कब कब देखा जाएगा, जैसे पहले कार्बन को ऑब्जर्व करो, दूसरे को ऑब्जर्व करो, अगर दोनों पे डिफरेंट है, जैसे यहां पे ए बी कर दिया तो देख सकते हो आप, यहां पे देखो ए बी और यहां पे बी डी, यानी कि पहले पे भी डिफरेंट ग्रुप और दूसरे पे भी डिफरेंट ग्रुप, दोनों को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर नहीं करना है, अलग अलग देखना है। पहले को देखा उस पे एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है, दूसरे को देखा उस पे एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है, हो सकती है। फिर उसके बाद पहले कार्बन को देखा उस पे एक ग्रुप तो ए है, दूसरा बी है, अलग अलग है पहले कार्बन पे, हो सकती है। दूसरे पे देखो एक ग्रुप बी है, दूसरा डी है, दोनों अलग अलग है तो हो सकता है। फिर ये थर्ड केस है, इसमें ए बी यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे डी ई कर दिया, कोई और नए ग्रुप ले लिए, ठीक है? तो ऐसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस हैं, और इस तरीके के अगर केस बनते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस
नहीं है। क्लियर हुई बात? कुल मिला के बात क्या है कि आप जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं उसमें दोनों को ऑब्जर्व करो, अगर दोनों पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इस पे कोई ग्रुप हमने लगाया CH3 लगा दिया और इस पे हमने कोई ग्रुप या मान लो Cl लगा दिया, ठीक। अब इसके ऊपर देखो कि इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं है, इनको देख के नहीं सेम या डिफरेंट कहना है। ये तो यहाँ पे देखो सेम हो गया ना, इसको इसको देखोगे तो ये सेम हो गया, इसको इसको देखोगे तो ये सेम। केवल एक को ऑब्जर्व करो एट ए टाइम, उस पे दोनों डिफरेंट है हो सकता है, दूसरे को ऑब्जर्व करो दोनों डिफरेंट है हो सकता है, ठीक है। मतलब एक कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, उस कंडीशन में हमें मिलेंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? हाँ, इसी तरीके से बनेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं। एक तो यही था सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन। इसमें देखो पहले कार्बन को हमने देखा, पहले कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, एच लगा हुआ है तो डिफरेंट है। दूसरे कार्बन को देखो, दूसरे कार्बन पे यहां पे मिथाइल है यहां पे एच है, इन दोनों को ही देखना है, दोनों डिफरेंट है तो बात बन जाएगी, सिस ट्रांस दिखा सकते हैं। अब देखो इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्टेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर ग्रुप्स एट द एंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मस्ट बी चेंज्ड। दोनों में डिस्टेंस जो होगा वो चेंज होगा अगर पर्टिकुलर एंड पे कोई ग्रुप है। जैसे देखो इसको हमने बोला सिस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी था और यहाँ पे ए और बी था। इसको हम ट्रांस बोल रहे हैं क्योंकि डायगनल पे सेम है ए ए और यहाँ पे बी बी। फिर यहाँ पे ए और डी है, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे बी और डी है। डिफरेंट कर दिया तो एक को बोला यहाँ डिफरेंट है तो एक को बोला सिस, और यहाँ पे डायगनल पे सेम हो गया तो इसको बोला ट्रांस। अब आप बोलोगे कि इस डायगनल पे, यहाँ पे देखो इस डायगनल पे तो सेम है लेकिन इस डायगनल पे डिफरेंट है ना, देख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर किसी एक डायगनल पे भी डिफरेंट मिल जाएगा हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक डायगनल पे अगर सेम है तो उसको हम ट्रांस कह देंगे, और किसी एक डायगनल पे अगर डिफरेंट है तो उसको हम आराम से सिस कह सकते हैं। मतलब ये कंडीशन एक डायगनल पे भी देख करके सिस ट्रांस डिसाइड हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अब ए बी में कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो, जैसे मान लो इस स्ट्रक्चर को बनाना है तो ये सिस ट्रांस ब्यूटीन का ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे है तो ए बी डी तीन ही ग्रुप तो लिए इन्होंने, तीन लिए ना, तो कोई भी ऐसे ले लो। ए को मान लो हमने मिथाइल ले लिया सपोज, इसको C2H5 ले लिया और इसको Cl ले लिया, देख पा रहे हो? अब दूसरा इसका ट्रांस लिखना है तो क्या करो, यहां पे ए और डी किया था हमने, अब यहां पे ए और ए कर दो। यहां पे हमने डी रखा था, अब डी यहां चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका ऐसे बना लेंगे। अगर सिस फॉर्म लिखा हुआ तो ट्रांसफॉर्म बना लेंगे। ध्यान से देखिए और बताइए। हाँ, ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा कि ये पैटर्न ऐसे चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो GI। अब ये वही वाला क्वेश्चन है, अभी ये आंसर को मत देखो तुम, आंसर को मत देखो। GI कौन कौन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा? तो कंडीशन क्या क्या थी हमारी, एक कंडीशन जैसे ये पहला स्ट्रक्चर है एथीन का, एथीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे अगर देखो तो सारे के सारे सेम है ना, देख पा रहे हो?
तो जब सारे के सारे सेम हो गए तो आपका ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? नहीं शो करेगा, सबके सब सेम हो गए ना, डिफरेंट होने चाहिए कार्बन पे। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सेम, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप सेम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला तो है लेकिन दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये नहीं शो करेगा। दूसरा स्ट्रक्चर अगर देखिए तो प्रोपीन है, कंडीशन वाले कहाँ गई ये थी। ये तो पहली थी, ये देखो इसी को कह रहे थे विदुषी। ये चीज याद रखेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। और ऐसे भी ये फॉर्मूला भी नहीं याद है तो बस अपने को क्या ऑब्जर्व करना है, अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि एक एक बारी बारी से एक एक कार्बन को देखो, और अगर एक एक कार्बन पे इस तरीके की सिचुएशन हमें दिखाई देती है कि सेम है तो सेम होगा तो नहीं होगा, और डिफरेंट होगा तो हो सकता है। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, तो सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका प्रोपीन। प्रोपीन लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोपीन वन की बात कर रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। प्रोपीन वन की बात हो रही है तो प्रोपीन ऐसे बना सकते हो। अब इस डबल बॉन्ड को ऐसे लिखते, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ और एक मिथाइल लगा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट कार्बन को देखा तो फर्स्ट पे तो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं हमें दोनों। जैसे ही हमने सेकंड कार्बन को देखा, सेकंड पे देखो दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो थर्ड है टू मिथाइल ब्यूटीन टू, टू मिथाइल ब्यूटीन टू स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप बोलोगे कैसे इतनी जल्दी स्ट्रक्चर बनता है, कैसे? चार कार्बन है, ब्यूट देख के हमें पता चल गया ब्यूट इन टू है यानी कि डबल बॉन्ड बीच में है, टू पे मिथाइल है यानी कि अगर इस कार्बन को वन बोलो तो इसको टू बोल दो तो यहाँ पे मिथाइल लगा दो, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन तो आपका कार्बन को देख लो कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल चार चाहिए होते हैं बॉन्ड। अगर यहाँ पे देखो वन टू थ्री दिखाई दे रहा है तो एक हाइड्रोजन, चार चाहिए टोटल। अब इसे है ना, अब इस स्ट्रक्चर को देखो तो फर्स्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट में तो डिफरेंट दिखाई दे रहा है हमें, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन सेकेंड एटम में देखो, सेकेंड में दोनों सेम हो गए ना, तो जैसे ही सेम आया वैसे ही जी आई नहीं शो करेगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर है? अब है फोर्थ वाला ब्यूटीन टू को देख लो। अभी ब्यूटीन टू करा था तो ये तो शो करता है, आपको पता ही है सिस्ट्रांस अभी बनाया था ना इसका। इसमें पहले कार्बन को देखोगे तो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन डिफरेंट, दूसरे कार्बन को देखोगे तो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल डिफरेंट, तो ये शो करेगा। फिर है आपका पेंटा वन थ्री डाइईन, पेंटा वन थ्री डाईन, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए? पांच कार्बन बना दो, वन थ्री डाईन है मतलब पहले पे ईन है और तीसरे पे ईन है, ये पांच कार्बन है अपने, बाकी को हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दो।
ठीक है, अब डबल बॉन्ड के अराउंड देख लो। इस कार्बन को अगर बना रहे हैं हम, तो यहां पे देखो, इधर साइड वाले पे हाइड्रोजन देख पा रहे हो सब लोग? इधर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो अगर, तो यहां पे CH3 पहले कार्बन पे, और यहां पे हाइड्रोजन डिफरेंट है। अब दूसरे कार्बन पे देखो, दूसरे कार्बन पे इधर तो हाइड्रोजन और इधर ये इतना बड़ा सा ग्रुप, ये दूसरे कार्बन पे ही तो लगा हुआ है। इधर तो हाइड्रोजन और इधर इतना बड़ा सा ग्रुप, तो डिफरेंट है। हाँ, पूरा यही तो अटैच है, पूरा बड़ा ही ग्रुप अटैच है ना। ठीक, अब देखो, हमने डबल बॉन्ड सही बनाया है, 1 2 3, हाँ 1 पे और 3 पे, ठीक है। अब इसको देखो, हाँ होना चाहिए। इस कार्बन को देखो, एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या अटैच है, ये बड़ा वाला ग्रुप। अब ये बड़ा ग्रुप बन गया इधर वाला, देखो, अब ये बड़ा ग्रुप बन गया इस कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन एक ये बड़ा ग्रुप। फिर इस कार्बन को देखो, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, लास्ट वाले में सेम मिल गया अपने को, तो बनेगा क्या है? हाँ, लास्ट वाला सेम बनेगा ना, देखो ये पेंटा 1,3-डाईईन है ना, तो लास्ट वाला सेम है। तो देखो अब यहां पे कैसे शो होगा, यहां पे कैसे शो होगा, देखो ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है, यहां पे तो सेम दिख रहा है हमें पिक्चर, इस कार्बन पे डिफरेंट दिख रहा है ना। तो ये और ये वाला जो पेयर है, ये तो शो कर देगा ज्योमेट्रिकल, ठीक है, लेकिन ये जो पेयर है ये नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि यहां पे सेम आ गए। क्लियर है बात? ठीक, तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे अपने को डिफरेंट मिल गई है चीज। ठीक, अगर ये वाली भी चीज इधर भी एच आ जाता, तो इधर भी सेम बन जाता और इधर भी सेम बन जाता, तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां पे सिचुएशन बन रही है, तो इसमें शो होगा। क्लियर? इसका मतलब अगर 2 और 3 डबल बॉन्ड हैं, तो वहां पे सिचुएशनल होगा कि किसके ऊपर डिफरेंट है, किसके ऊपर सेम है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनेगी। उसके बाद देखिए, पांचवा स्ट्रक्चर था ये। छठे स्ट्रक्चर की अगर बात करो, तो छठा स्ट्रक्चर है 1,2-डाई-ड्यूटरोइथेन। ड्यूटरो का मतलब होता है ड्यूटीरियम की बात कर रहे हैं। 1,2-डाई-ड्यूटरोइथेन, ड्यूटरोइथेन का क्या मतलब है देखो, इथेन है कि एथीन है? एथीन है, वही डबल बॉन्ड की बात होगी। ठीक, तो एथीन का मतलब दो कार्बन हो गए, बना दिए दो कार्बन। एथीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो इसी पे होगा। 1,2-डाई-ड्यूटरो, ड्यूटरो का लिखने का मतलब क्या है? देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, एक था आपका प्रोटियम, एक था 1H2, जिसको हम ड्यूटीरियम भी बोलते थे। ड्यूटीरियम डी से डिनोट करते हैं इसको, इसको एच से डिनोट करते हैं,
और तीसरा कौन सा था, 1s3 ट्राइटियम या ट्राइशियम, इसको टी से डिनोट करते हैं। तो ड्यूट्रियम का मतलब है कि दोनों कार्बन पे एक एक ड्यूट्रियम भी लगा हुआ है, 1,2-डाई-ड्यूट्रो-इथीन, 1,2 पे दो ड्यूट्रियम भी लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे लगा दो। बाकी तो हाइड्रोजन से सिचुरेट करोगे, कर दिया, क्लियर। अब ऑब्जर्व कर लो, पहले कार्बन को अगर देखो तो यहाँ पे एक डी है एक एच है, डिफरेंट हो गया, है हाइड्रोजन का ही लेकिन अलग अलग हो गया। यहाँ पे भी देखो तो यही डिफरेंट मिलेगा, एक डी है एक एच है, तो ये शो करेगा। सबको क्लियर हो रही है बात? इसके बाद जो स्ट्रक्चर है देखो, सातवां स्ट्रक्चर फिनाइल एथीन स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, ये ब्यूटा 1,3-डाईन है, ये है फिनाइल एथीन। एथीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2, उस पर फिनाइल लगा दिया इन्होंने, लगा लेते हैं भाई। स्ट्रक्चर बनाना भी आपको आना चाहिए ना, फिनाइल एथीन बोला जा रहा है, एथीन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल का मतलब होता है C6H5 लगा दो, या पीएच उसको लिखते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हटाओ, उसको पीएच लगा दो वहां पे, तो इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसका एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा देते हैं, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, एक हाइड्रोजन ये कर दो, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन पे दिख रहा है क्या आपको डिफरेंट? इस पे तो डिफरेंट है, इस पे तो सेम हो गया ना, तो जी आई शो करेगा नहीं करेगा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका ब्यूटा 1,3-डाईइन। अभी हमने ब्यूटीन पढ़ा था, ब्यूटा 1,3-डाईइन, तो आपका चार कार्बन का कंपाउंड है, पहला 1 पे है और दूसरा आपका 3 पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे 1, 2, 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन लगा लो। अब देख लो पहले कार्बन पे सेम दिख रहा है, दूसरे पे देखो एक हाइड्रोजन और एक आपका, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे कैसे देखें, इधर भी सेम हो गया, तो होगा तो नहीं जी आई, है ना, क्योंकि इस कार्बन पे भी सेम मिल गया तो ये पेयर भी नहीं शो कर पाएगा, और इस कार्बन पे भी सेम मिल गया इधर वाला तो ये भी नहीं शो कर पाएगा। इधर को, इस कार्बन को अगर देखना है तो एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक ये बड़ा वाला ग्रुप हो गया। इसी तरीके से इस कार्बन को देखना है, एक हाइड्रोजन और एक ये बड़ा वाला ग्रुप, इसी तरीके से इस कार्बन को देखना है तो एक तो हाइड्रोजन और एक ही बड़ा वाला ग्रुप, ये वाला, तो यहाँ पे तो डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन ये जो पेयर है इसमें एक सेम आ गया, इसमें भी और इसमें भी, तो ये जी आई को शो नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? इलेवेंथ में आ सकता है ज्योमेट्रिकल की कंडीशन, लेकिन एट द लेवल ऑफ इलेवेंथ स्टीरियो इतना पूछते नहीं है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिशन में तो कुछ भी, जैसे अभी ये क्वेश्चन था, ऐसा भी आ सकता है सिस ट्रांस कौन शो कर रहा है कौन नहीं शो कर रहा है, स्ट्रक्चर बना के दे देंगे कौन किसका सिस है कौन किसका ट्रांस है ना।
अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको सिस ट्रांस क्यों बोल रहे हैं? देखो ये इस कार्बन पे देखो एक सीएल एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, इस कार्बन पे देखो एक सीएल एक हाइड्रोजन दोनों पे डिफरेंट लगे हुए हैं, तो डायगोनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप हैं तो सिस बोल दिया, और डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप लगा दिए तो उसको ट्रांस बोल दिया। क्लियर है बात इसकी? ये कंपाउंड कौन सा है, अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या क्या नाम होंगे जल्दी से बोलिए। आईपीएसी बोल दो इसका, 1,2-डाईक्लोरो एथीन हो जाएगा ना, दो कार्बन है, ये इसका सिस फॉर्म है, ये इसका ट्रांस फॉर्म। अब देखो हाँ 1,2-डाईक्लोरो एथीन, 2 क्यों होगा, ये दो ही तो कार्बन है, दो कार्बन में तो इसको वन पे ही मानोगे ना तुम, 1,2 के बीच में। ये जो कंपाउंड है इसका नाम बोल दो जल्दी से। प्रोपीन, प्रोपीन 2 लोगे, प्रोपीन 1 लोगे? हाँ मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ना तो प्रोपीन 1 पे आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या किया इन्होंने, पहले कार्बन को देखो सी एल एन एच डिफरेंट, दूसरे कार्बन को देखो सी एल एन सी एस 3 डिफरेंट, तो दोनों कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं तो जी आई शो कर सकता है, तो यहाँ पे सी एल और सी एस 3 लिखा था, यहाँ पे क्या किया सेम जो ग्रुप्स थे उनको डायगनल पे लगा दिया, तो सेम को डायगनल पे लगा दोगे तो ट्रांस बनेगा, और डिफरेंट को डायगनल पे लगाओगे तो सिस बन जाएगा। क्लियर? अब ये कंपाउंड है, यहाँ पे क्या किया है, एक डबल बॉन्ड है जिसके पास एक 3 कार्बन की रिंग लगी हुई है, और इस कार्बन पे इधर सी एस 3 इधर सी एस 3 और इधर एच, देख पा रहे हैं? अब क्या किया इन्होंने, देखो ये डबल बॉन्ड पे अगर देखो इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, तो इस कार्बन पे एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, यस, इस कार्बन को देखो इधर सी एस 3 इधर एच डिफरेंट है, ठीक, यहां पे देखो यहां पे इस कार्बन पे एक बड़ा सा ग्रुप, इस कार्बन पे इधर एच और इधर सी एस 3, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, जहां पे एक कार्बन पे एक बड़ा सा ग्रुप और दूसरे कार्बन पे दो डिफरेंट लगे हुए हैं, ठीक। अब इसमें सिस ट्रांस कैसे कहते हैं, सिस ट्रांस वैसे ही कहेंगे जैसे अगर सेम को अगर ऐसे लगा दो डायरेक्टली, ये देखो डायगनल है, अगर स्ट्रक्चर का डायगनल देखो तो देख पा रहे हैं सब लोग, तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स में डायगनल ही देखो, डायगनल पे अगर सेम ग्रुप लग गए सी एस 3 सी एस 3 तो उसको ट्रांस बोल दिया, और डायगनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप लग गए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ सी एस 3 तो इसको सिस बोल दिया। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब हमें ऐसा रिंग वाला जब मिलता है तो वहां पे 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप में भी हमें देखने को मिल सकता है, बशर्ते जहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है उसको तो छोड़ दो, दूसरा जो कार्बन है उसको देखो उस पर डिफरेंट है तो बन जाएगा, अगर उस पर डिफरेंट नहीं है तो नहीं बनेगा। क्लियर? अब देखो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इसी तरीके का है, बस यहां पे CH3 नहीं है, इसके सामने लिखा हुआ निल, इसका मतलब इसका सिस ट्रांस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे अगर देखो तो इस कार्बन पे ये आपका साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है, और इस कार्बन पे देखो तो CH3 और H लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि सिस वो होता है जब डायगनल पे डिफरेंट, और ट्रांस वो होता है जब डायगनल पे सेम, तो यहाँ पे आपको डायगनल पे अरेंज करने के लिए कोई चीज कोई ग्रुप है क्या, किसी भी डायगनल पे इधर या इधर, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, देख पा रहे हो? ठीक है, तो हम ट्रांस कैसे बनाएंगे, इसमें केवल हमें सिस सिस दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, सिस ट्रांस नहीं मिलेगा इसका। क्लियर?
अब देखो एक कंपाउंड होते हैं ये भी शो करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स बनते कैसे हैं, जैसे मान लो आपने एल्डिहाइड ले लो और उसकी एक रिएक्शन होती है NH2OH से, ये एक कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल एमीन, ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड की जब इससे रिएक्शन होती है तो एल्डाऑक्साइम बनता है, और अगर कीटोन की इससे रिएक्शन करवा दो NH2OH से, जिसको हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, तो ये बनाता है कीटोक्साइन। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो शो करता है एल्डाऑक्साइम, एल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होता है वो शो करता है आपका ज्योमेट्रिकल। कैसे देखते हैं, पहले बनाते हैं एक एल्डिहाइड। हाँ देखो, जैसे मान लो एल्डिहाइड है हमारे पास, ये CH3CHO देख पा रहे हो, ये एल्डिहाइड है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OR H करके, तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको, जनरल नेम है इसका। अब इसकी रिएक्शन होती है NH2OH से, तो जब NH2OH से रिएक्शन होती है ना, तो ये O इसके साथ H2O बन के निकल जाता है, और ये जो NOH है ये यहां पे जाकर के अटैच होता है इस कार्बन। इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये एसिटल डिहाइड से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एसिटल डॉक्सिन, और इसमें प्रेजेंट होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे देखो, अगर इसकी हम बात करें NOH की, तो यहां पे R H और यहां पे डबल बॉन्ड के बाद N और OH लगा हुआ है, यहां पे दूसरा ग्रुप हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ग्रुप की जगह यहां पे हम लोग नाइट्रोजन का लोन पेयर लेते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर आप देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड NOH, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो इसके पास 5 थे, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, मतलब 3 की शेयरिंग कर ली, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास। ठीक है, लेकिन 5 में से इसने 3 को यूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में इसके पास होंगे, जैसे NH3 में होते हैं, याद है NH3 का स्ट्रक्चर सबको। ठीक है, तो 3 बॉन्ड इसने बनाए सिंगल, तो इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। यहां पे इसने एक डबल बॉन्ड बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां यूज हो गया, 3 यूज हो गए, तो एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब कैसे यहां पे देखते हैं हम लोग, किस तरीके से देखा जाता है, यहां पे अगर हम बात करें R H, यहां पे R लगा हुआ है, यहां पे H लगा हुआ है, यहां पे N है और यहां पे लोन पेयर, यहां पे OH। अगर देखो आप, तो R और लोन पेयर अगर एक तरफ है, और यहां पे देखो R और लोन पेयर, R और OH अगर एक तरफ है, तो एक फॉर्म को यहां पे बोलते हैं, यहां पे सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, यहां पे नया टर्म यूज किया जाता है सिन एर एंटी। क्या बोलते हैं,
सिन एंड एंटी। सिन और एंटी कैसे पहचानेंगे? अगर OH को आप देखो वो R के डायरेक्शन में है तो वो बनाएगा सिन, और अगर OH R के डायगोनल पे नहीं है तो वो क्या बनाएगा? एंटी। क्लियर? OH ऑन R डायगोनल तो उसको सिन, और OH अगर R के डायगोनल पे नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? एंटी। क्लियर? और इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि अगर आप यहां से देखो बॉन्ड को, यहां से देखो, H और OH अगर सेम साइड पे हैं तो सिन, H और OH अगर डिफरेंट साइड पे हैं तो एंटी। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, H एंड OH ऑफ ऑक्साइम ऑन सेम साइड तो आपका सिन हो गया, और H और OH ऑन डिफरेंट साइड तो आपका क्या हो गया? एंटी। क्लियर है? जैसे आपको इजी लगता हो आप वैसे देख सकते। अभी यहां पे देखो, जैसे H और OH को आपने क्या कर दिया? डिफरेंट साइड पे कर दिया, इधर OH है इधर H है, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी। और अगर H और OH को आप सेम साइड पे कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? सिन। एंटी में H और OH डिफरेंट साइड पे होंगे। और सिन में H और OH क्या होंगे? सेम साइड पे। ऐसे यहां से देखना है, पर इसको ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, यहां पे ये भी नीचे और ये भी नीचे। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा थोड़ा समझ आया, कुछ क्लियर हुआ कहां पे होगा? इसमें जो है कंडीशन एक तो ये याद रखनी है, ये दोनों कंडीशन याद रखोगे तो आप पहचान लोगे कि किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। एक स्पेशल केस ऑक्साइम वाला था, एक ये वाला भी होता है रिंग वाला, इसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर आपको कोई रिंग दिखाई दे रही है ना, और रिंग के यहाँ यहाँ पे आपके ग्रुप्स अटैच हैं, अब इन ग्रुप्स में अगर देखो आप तो क्या लिखा हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टू और मोर ओरिएंटेशन। दो तरीके के ओरिएंटेशन में या उससे ज्यादा के ओरिएंटेशन में हमें दिखाई दे सकता है, जहां पे रिंग हो या डबल बॉन्ड। अब अगर रिंग की बात करो तो रिंग में यहां पे देखो ए और बी, ए और बी, यहां पे सिस ट्रांस कैसे पहचानेंगे? ऐसे देखेंगे, ये डायगनल हो गया, देख पा रहे हो? ये डायगनल है। अब डायगनल पे क्या है? डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको? सिस। और डायगनल पे अगर सेम है तो क्या बोलेंगे इसको? क्लियर है बात? और कहाँ पे होने वाली है और कहाँ पे नहीं होने वाली है? इस कार्बन को देखो, ए और यहाँ पे भी डिफरेंट हो गया, इस कार्बन को देखो यहाँ पे ए यहाँ पे भी डिफरेंट हो गया। अगर दोनों सेम होंगे तो प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? कौन सी स्लाइड? यहां पे?
हाँ ये रेस्ट्रिक्टेड का रिंग वाला यही पे करा देते ना। दो ग्रुप लगा दो, सिंपल है, कोई ए बी करके दो ग्रुप लगा दो कोई। अपनी ये रिंग है, ठीक है, रिंग के ऊपर यहाँ पे मान लो CH3 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ रिंग है यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, डायगोनल पे डिफरेंट हो गए तो क्या बन गया, सिस बन गया। और अगर यहाँ पे डायगोनल पे सेम लगा दो तो ट्रांस बन जाएगा। क्लियर है? और बता दे, और मेरे पास बुक ओपन है, मैंने 11th की बुक खोली हुई है, इसमें पता नहीं है नहीं है, एक सेकेंड बस होल्ड करिए आप। कभी कभी 11th वाले ने नहीं दिया रहता है, ये बस टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है। नहीं, मेरे पास दूसरी बुक है, आप लोग के पास कौन सी है? अच्छा, NCERT है, कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास। मैंने कौन सी खोली हुई है दिखाती हूँ आपको, मैंने इस समय जो खोली है वो ABC खोली है। आप लोगों को कोई टॉपिक किसी बुक से नहीं समझ में आया करे या कुछ मतलब नहीं आ रहा है तो मेरे से तो आप पूछेंगे ही, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही। हाँ तो मेरे को आप बोल देना, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं ना, तो मैं वो चैप्टर आपको उस बुक से, बहुत सारे नोट्स हैं तरह तरह के, मैं आपको दे सकती हूँ। नहीं, नोट्स तो काम आ जाते हैं वो तो ठीक है, तो मैं क्यों, एक ही एक जो अच्छा मुझे नोट्स लगता है, जो जिसमें लगता है सब कुछ है, वो मैं आपको प्रिंटेड में भेजती हूँ ना। ज्यादा बुक्स और ज्यादा नोट्स मैं क्यों नहीं देती हूँ, उसका रीजन ये होता है कि जैसे एक, कई बार क्या होता है बच्चा ना एक टॉपिक को एक बुक से पूरा कंप्लीट करता ही नहीं है, वो क्या करता है वो, और ये बच्चों की टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि हम आपकी ही बात कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि वो एक को भी ढंग से नहीं कर पाता और कहीं पे वो बेचारा मूव करता रहता है, समझ गए? ठीक है, देखो पढ़ते पढ़ते ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को जो है वो टीचर से ज्यादा ज्ञान हो, है ना, नॉलेज उसको ज्यादा गैदर हो जाए, लेकिन